हेलो एंड वेलकम बैक व्यूअर्स, क्या अंडरवियर पहनकर हम रनिंग या फिर जिम कर सकते हैं या नहीं, या कुछ उसके लिए और यूज़ करना चाहिए, जैसे कि सपोर्टर या फिर जॉक स्ट्रैप या फिर लंगोट या फिर वी शेप अंडरवियर जो आमतौर पर हम लोग यूज़ करते हैं। तो आज इसी बारे में जानेंगे कि इनमें से कौन सा बेटर है या फिर नॉर्मल अंडरवियर पहनकर भी एक्सरसाइज या फिर रनिंग की जा सकती है। सपोर्टर, जॉक स्ट्रैप या फिर लंगोट, इन तीनों का एक ही कंसेप्ट है कि जेनिटल ऑर्गन्स को जांघों के बीच में से थोड़ा सा सपोर्ट देकर आगे की तरफ लाया जाए, जिससे कि क्रॉस लेग होने पर, गेम्स करने पर, रनिंग करने पर वो बीच में दब ना जाए और उन पर कोई एक्स्ट्रा प्रेशर ना पड़ जाए, जिससे कि आगे प्रॉब्लम ना खड़ी हो। साथ ही साथ उसमें कपड़े की जो एक्स्ट्रा लेयर होती है वो भी सपोर्ट देती है कि कोई चीज़ अगर लग जाती है तो उससे भी एकदम चोट ना लगे। अब सवाल ये आ जाता है कि जो हम रेगुलर अंडरवियर यूज़ करते हैं क्या वो ये काम कर सकता है या नहीं। जहाँ तक अंडरवियर का सवाल है, जो वी शेप अंडरवियर होते हैं अच्छे ब्रांड के, अगर आप उनको यूज़ करते हैं तो वो इस तरह से डिज़ाइन किए गए होते हैं जिससे कि आपके स्क्रॉटम को प्रॉपर सपोर्ट मिले, साथ ही साथ जो स्क्रॉटम का टेम्परेचर बॉडी से 3 डिग्री कम होता है वो भी मेंटेन रहे। बिकॉज बॉडी से 3 डिग्री कम टेम्परेचर रहने से इनफर्टिलिटी नहीं होती और साथ ही साथ जो स्पर्म काउंट होता है वो कभी कम नहीं होता। बिकॉज टेस्टिकल के अंदर जो स्पर्म्स बनते हैं वो बॉडी से, अगर टेस्टिकल्स का यानी जो अंडकोश होते हैं उनका अगर टेम्परेचर 3 डिग्री कम रहेगा तभी उसमें सीमन फॉर्मेशन अच्छे से होता है। अगर वो बॉडी से चिपके रहेंगे, यानी सपोर्टर या फिर लंगोट या कुछ इस तरह से हम पहनकर उन स्क्रॉटम को, टेस्टिकल्स को बिल्कुल बॉडी से चिपका लेंगे तो जितना टेम्परेचर बॉडी का है उतना टेम्परेचर उनका भी हो जाएगा, तो जो सीमन फॉर्मेशन की जो प्रक्रिया है उसमें गड़बड़ी हो सकती है अगर हम उसको ज़्यादा देर तक पहनेंगे। तो इसीलिए नेचुरल भी यही है कि स्क्रॉटम हमारे शरीर से अलग होते हैं, नीचे की तरफ लटके रहते हैं, बिकॉज उनको एक मेंटेन टेम्परेचर चाहिए होता है और उसी वजह से वो एक थैली के अंदर रहते हैं और वो थैली भी ऑटोमेटिक रहती है। जब ज्यादा गर्मी हो जाती है तो वो थैली नीचे चली जाती है उनको ठंडा करने के लिए, और जब टेम्परेचर कूल हो जाता है तो वो उनको मेंटेन और गर्म टेम्परेचर देने के लिए थोड़ा सा ऊपर आ जाती है शरीर की तरफ। तो इसलिए अगर आप एक परफेक्ट अंडरवियर यूज करते हैं किसी भी अच्छे ब्रांड का तो वो भी ये काम कर सकता है और नॉर्मल एक्सरसाइज और जिम में आप उसको आराम से यूज कर सकते हैं। देखो यारो, जब भी एक्सरसाइज करो हमेशा नॉर्मल वेट से करो, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप हैवी वेट लिफ्टिंग करते हो तो फिर आपको ये बेल्ट यूज़ करनी चाहिए जो हार्निया से बचाती है, और इसको भी ज़रूर यूज़ करना चाहिए, ये आपके नी को सपोर्ट करती है। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाया था जो अंडरवियर के ऊपर था, बिकॉज अगर आप ट्रंक अंडरवियर पहनते हैं या फिर आप वी शेप अंडरवियर पहनते हैं तो उसमें किस तरीके से उसको हमें पहनना चाहिए या कौन से ब्रांड का हमें पहनना चाहिए, ये भी मैंने आपको उस वीडियो में बनाया था। अगर आपने नहीं देखा है तो वो आप हमारे वीडियो लिस्ट में जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखें, या फिर मोस्ट प्रोबेबली मैं कोशिश करूँगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँ और आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। वेल, आगे डिसीजन आपका है कि आप इनमें से क्या यूज़ करना चाहते हैं और आपकी रनिंग एक्सरसाइज किस तरीके की है। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप स्माइलिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।